क्या है आपके ग्रहों की चाल, क्या कहते हैं आपके नक्षत्र, क्या कहती हैं आपकी राशियां, क्या करें क्या ना करें, कैसे करें पितरों की पूजा, कैसे करें नवरात्रों में पूजा, हर सवालों का जवाब जानेंगे आचार्य ललित मोहन जुयाल से। देखिए भक्तों, विशेषकर मंत्र जाप, आप पे कोई भी दशा चलती है तो ब्राह्मणों के अनुसार हम क्या कराते हैं, यज्ञ करवाते हैं। उस यज्ञ में मंत्र का जाप विशेष महत्व है, उस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र आप पे जो दशाएं हैं उन दशाओं के अनुसार उसका जप होता है। जैसे कि आप पे कुंडली दिखाई और कुंडली में आया कि आपको राहु का दोष, आपकी महादशा राहु चल रही है, राहु कार्य नहीं बनने दे रहा है, बिगाड़ रहा है, आपको क्या करना है, मंत्र का जाप करना है। किसी के पास धन नहीं है, समय नहीं है, अपव्यय है, कोई भी संपत्ति रुक नहीं रही है, अब वो क्या चाहता है कि मैं किसी ब्राह्मण के पास गया हूँ, ब्राह्मण ने मुझे उपाय बता दिया, कहा ये जप करना पड़ेगा, पर जप के लिए सामग्री भी चाहिए, आवश्यकता भी चाहिए, फल फूल आदि भी चाहिए, सारी आवश्यकता, परंतु वो व्यक्ति नहीं कर पाता है, तो वह स्वयं भी जप कर सकता है। किस प्रकार से करेगा, अवश्य इसका जप करना चाहिए, जप का विधान है, इस प्रकार की उंगली रहेगी, इस प्रकार हृदय पे माला रहेगा और माला के अनुसार इस प्रकार मंत्र का जाप होता है। अभी हमारे पास एक भक्त का इसी प्रकार फ़ोन आया था, हिमांशु निगम नाम है उनका, उन्होंने बोला कि गुरुजी मंत्र जप करते समय माला किस प्रकार के पकड़नी चाहिए, सुमेरु पर्वत लांघना चाहिए कि नहीं लांघना चाहिए, तो हमने उनको बताया कि इस प्रकार से जप होता है, जप की विधि है, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या राहु का जाप कर रहे हैं तो ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सा राहुवे नमः, इस प्रकार का जप करना, हृदय पर उस जप का उल्लंघन होना चाहिए। इस प्रकार जो जप करता है तो हृदय ही हमारा चक्र है, इस चक्र हृदय चक्र से हमें उस माला करने का फल प्राप्त हो जाता है। मनुष्य क्या करता है, दो मिनट बैठा विचलित हो, विचलितता नहीं चाहिए उस जप में, मन एकाग्र चित्त होकर यह कर्म करना चाहिए। माला विशेषकर जीवन में कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे पे कोई दशा है तब हम इस माला को करें, आप कभी भी इस माला का जप स्वयं से कर सकते हैं। भक्ति इसी से प्राप्त होती है, भगवान का नाम का उच्चारण, तीन प्रकार के मालाएं होती है, कर माला हाथ के द्वारा मालाएं होती हैं, हाथ से कर सकते हैं, मुख से कर सकते हैं, मानसिक से कर सकते हैं और बोल कर सकते हैं, तीनों प्रकार की मालाएं आप कर सकते हैं। एक होता है मन में, एक होता है बोलकर, एक होता है व्यग्रात कर आद माला जप रहे हैं, मानसिक माला भी कर सकते हैं, आप कहीं पे बस में हैं, अपना नित्य कर्म करना है तो आप इस प्रकार से मालाएं कर सकते हैं, कर्म करके हाथ से, इस प्रकार अवश्य ही मालाएं अपने जीवन में करना चाहिए। नहीं करते हैं जो मनुष्य प्रातः उठकर अपना संध्या वंदना और माला का जाप नहीं करते हैं तो उनका ग्रह कमज़ोर हो जाता है, और ग्रह कमज़ोर होने से उनको आय व्यय धन शरीर का नुकसान हो जाता है। इसलिए मेरे भक्तों, मेरा आप लोगों से अनुग्रह है कि ये अपने जीवन में माला अवश्य करें। बाकी कोई विशेष जानकारी आपको चाहिए होगी तो आप मेरे चैनल के माध्यम से, मेरा फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, आप इसके उस पर अवश्य मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम। क्या है आपके ग्रहों की चाल, क्या कहते हैं आपके नक्षत्र, क्या कहती हैं आपकी राशियां, क्या करें क्या ना करें, कैसे करें पितरों की पूजा, कैसे करें नवरात्रों में पूजा, हर सवालों का जवाब जानेंगे आचार्य ललित मोहन जुयाल से।